स्वागत है फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो, वडक्कम। मैं हूँ ऋचा। डिवाइन विजन रानी चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। रिमेम्बर, यू आर प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। सो मैं तो आप सबको बहुत खास फील कराती हूँ, स्पेशल फील कराती हूँ कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, और एक गीत आप सबके लिए भी डेडिकेट करती हूँ आए दिन। आप मेरे लिए क्या स्पेशल फील कराते हो मुझे? हाँ, अगर आप मुझे स्पेशल फील कराना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर दो जल्दी, ठीक है? और नहीं, वैसे काफ़ी लोग हैं जो मुझे स्पेशल फील कराते हैं, मेरे प्यारे प्यारे क्यूटी से एडोरेबल बेबी पाइज, शुगर पाइज जो सब्सक्राइबर्स हैं ना, वो मुझे बहुत स्पेशल फील कराते हैं अपने प्यारे प्यारे वर्ड्स। मेरे जो क्लाइंट्स भी हैं, अपने फूलों से बरसते हुए वर्ड्स जो हैं वो मुझे डेडिकेट करते हैं, और वो इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भेजते हैं मेरे लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आप लोग करते हैं, इतने मेरे लिए स्टैंड लेते हैं। भाई कोई कुछ गलत बोल के दिखाए, मेरे लिए स्टैंड ले लेते हो आप लोग, मुझे बहुत पसंद है ये चीज़। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। तो अगर अभी तक आप डिवाइन विजन आरडी ट्राइब का हिस्सा नहीं बने हो तो ज्वाइन द ट्राइब एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग फैमिली, ओके? सो यू मोस्ट वेलकम। एंड रिमेंबर फ्रेंड्स कि आप जब डिवाइन विजन आरडी ट्राइब का हिस्सा, डिवाइन विजन आरडी फैमिली का हिस्सा हो तो यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड बाय माय एंसेस्टर्स एंड एंजल्स, दे आर वॉचिंग ओवर यू, ओके? एंड आपको जो अबंडेंस है वो टेन फोल्ड में मिलेगी। बस अपना अच्छा कर्मा करते रहिए, अच्छे शब्द बोलते रहिए, अच्छे वचन करते रहिए, बोलते रहिए, तो इससे जो है सूनर और लेटर आपको ये टेन फोल्ड में ज़रूर मिलेगा, ठीक है? याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है? चलिए, सो हम शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग से। जी हाँ, आज की जो रीडिंग है बहुत ही जूसी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, इस वीडियो को, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हो, ठीक है? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। मैं आपको बता देती हूँ आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पर्सन आपको कब कॉन्टैक्ट करेंगे। पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर देखेंगे कब कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है? तो टाइम फ्रेम भी हम देखने वाले हैं। पहले हम ये देखेंगे कि आपको कब कॉन्टैक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो चीज़ हम देखने वाले हैं। एंड पहले मैं एक चीज़ थोड़ा क्लियर कर देती हूँ कि फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है, हाँ, आपके लव एक्स, लवर एक्स क्रश, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, उनके लिए हो सकती है, ठीक है? आपके एक्स के लिए हो सकती है, या फिर कोई भी पर्सन आपके माइंड में ना, एक्स वाई जी, कोई भी पर्सन आपके माइंड में, ज़रूरी नहीं कि वो यही लोग हों, इसमें से कोई भी हो सकता है, जनरल कोई पर्सन हो सकता है, आपका रिलेटिव हो सकता है, कोई भी हो सकता है, फैमिली में कोई हो सकता है जो आपसे दूर रहता है या रहती है, ठीक है? तो उनके बारे में भी आप जानना चाहते हो, आपको कब कॉन्टैक्ट, आपको कॉन्टैक्ट करेंगे नहीं करेंगे, बाई चांस गॉड फॉरबिड कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है तो आपने अब जानना चाहते हो आपको कब कॉन्टैक्ट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, तो उसके लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स? तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी। और ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, यानी कि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है? तो आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हो, तब से ये एप्लीकेबल होगी आपके लिए, ठीक है? थोड़ी सी मैं आपको शुरुआत में इंट्रोड्यूस करना चाह रही थी, बताना चाह रही थी आपको, ठीक है? सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। मैंने तीन पाइल्स रखी हैं और मैंने सिलेक्शन के लिए तीन क्वींस रखी हैं। सो डियर माई डिवाइन फेमिनिन्स, डिवाइन क्वींस, आई लव यू ऑल, कीप रेजिंग योर वाइब्रेशंस, कीप डूइंग सेल्फ लव, अपना सेल्फ लव करते रहिए, सेल्फ केयर करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, खुद को टॉप प्रायोरिटी पर रखिए, एंड इससे जो है आपको खुद अपनी प्रायोरिटी पता चलेगी, अपनी वैल्यू पता चलेगी, जो बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? जब आप अपनी वैल्यू समझेंगे, सेल्फ लव करेंगे, तो ऑटोमेटिकली यू अट्रैक्ट दैट लव टू लव टूवर्ड्स यू, ठीक है फ्रेंड्स? तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। मैं आपको सिलेक्शन की जो कार्ड है वो दिखा देती हूँ। पहला कार्ड है, आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जब मैं आपको दिखाऊंगी कार्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्स, पाइल वन, क्वीन ऑफ वॉन्स, पाइल वन, क्वीन ऑफ वॉन्स, पाइल टू, क्वीन ऑफ कप्स, पाइल थ्री इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके? So pile 1 is this queen of wands, pile 2 is this queen of cups in the center, pile 3 is this queen of swords, theek hai? So close your eyes, take a deep breath and universe se khud se khuda se kaise pile ki taraf aapko le jaye, ise pile ki taraf aapko direct kare, theek hai?
आप वीडियो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको कह चुकी हूँ वीडियो यहाँ पे पॉज भी कर सकते हैं। आई गिव यू 10 सेकंड्स टू फोकस ऑन द वीडियो ऑन द सिलेक्शन ऑफ द पाइल्स। ओके एंड एंजल्स को, प्यारे प्यारे एंजल्स को थैंक यू बोलना मत भूलिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। गॉड को भी, ठीक है। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिए जनरल रीडिंग्स होती हैं ये, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होता उसे छोड़ दीजिए। एंड जरूरी नहीं कि सारे रीडिंग्स आपके साथ, सारे पाइल्स आपके साथ रेजोनेट करें, रेजोनेट होती हैं तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज आप दूसरी पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यू कैन ऑलवेज कम बैक इन अदर टाइम, ओके। ये आपका ही चैनल है, कभी भी आके वीडियोस देखिए, चेकआउट करिए इस वीडियो को, इस चैनल की, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पाइल नंबर 1 से। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया था क्वीन ऑफ वांड्स, तो वेदर यू आर अ किंग और अ क्वीन, यू आर अ ब्यूटिफुल सोल, यू आर वेरी अट्रैक्टिव, आप एम्बिशियस हो, क्रिएटिव हो, आर्टिस्टिक हो, आप ज़िंदगी में खुशियाँ फैलाना जानते हो, खुशियाँ जो हैं खुश रहना जानते हो, ज़िंदगी जीना जानते हो, एंड यू आर अ ब्यूटिफुल सोल, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे चैनल मैसेज आ रहा है कि आप कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे, फॉर सम ऑफ यू कि आप टैरो रीडर्स भी हो सकते हैं, या विचक्राफ्ट आप जानते हो, सोच सीखना चाह रहे हो, कुछ ऐसा, ठीक है, जस्ट फॉर सम ऑफ यू, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए क्या आए हैं कार्ड्स, कि क्या कहते हैं कार्ड्स, कि क्या वो जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं क्या वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, लेट्स फाइंड आउट। पहला कार्ड हमारे पास आया है वो है 6 of Cups, Ace of Pentacles, Eight of Pentacles, oh my god, 10 of Swords. I'm using the Friends Tarot. Okay. So, चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग से। पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि हो सकता है इस पर्सन ने कभी आपको चीट किया हो, ठीक है, या आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको चीट किया है, ठीक है। ये पर्सन अभी चीटेड फील कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं था तो, अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे तो वो उनको चीट करके जाएगी, चैनल मैसेज, ठीक है। ये पर्सन के मन में आपके लिए बहुत खूबसूरत ख्यालात हैं, बहुत पसंद करते हैं आपको, और आपके साथ आपको एक सोलमेट मानते हैं, आपको जो है एक, हो सकता है आप लोग एक दूसरे को 6 साल से जानते हो, कुछ लोगों के लिए चैनल मैसेज है 6 साल 6 महीने, 6-7 साल से जानते हो एक दूसरे को, कुछ लोग हो सकते हैं 8 साल से जानते हो एक दूसरे को, ठीक है। मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन ना सिर्फ आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, जी हाँ आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, बल्कि आपसे मिलना भी चाहेंगे, ठीक है। ना सिर्फ आपको कॉन्टैक्ट करेंगे बल्कि मिलना भी चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे आया है कार्ड 6 of Cups, तो ये आपको कॉन्टैक्ट तो करेंगे, ठीक है। दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू, ठीक है, और आपको कुछ हो सकता है सॉलिड ऑफर भी दें, आपको स्टेबिलिटी का ऑफर दें कुछ, ठीक है, ये भी चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। सो ये पर्सन आपको कुछ स्टेबिलिटी का ऑफर दे सकते हैं, ये पर्सन आपको एक नई शुरुआत का ऑफर दे सकते हैं, और देखते हैं क्या कार्ड्स कहते हैं। और ये कार्ड्स ये कहते हैं कि ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपके जो भी इन्होंने गलत ट्रीटमेंट दिया आपको, जो भी गलत अनफेयरली आपको ट्रीट किया, तो उसके लिए अभी उसको रिकम्पेंसेट करना चाहते हैं, रीपे करना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो पर्सन है ये
दे वॉन्ट टू वर्क इन्वेस्ट इन दिस कनेक्शन, दे वॉन्ट टू वर्क हार्ड इन दिस कनेक्शन, ठीक है, बट मुझे लगता है इनको ना ट्रस्ट इशूज़ हैं. आई डोंट नो वाई, आई एम फीलिंग कि इनको ट्रस्ट इशूज़ हैं. इनको लगता है कि हो सकता है इनको पास्ट में धोखा मिला हो, ठीक है, और उस चीज़ से इतने आहत हो चुके हैं, इतने हर्ट हो चुके हैं कि उनको वो ट्रस्ट इशूज़ डेवलप हो गए हैं. सॉरी फ्रेंड्स, तो ये चीज़ जो है इनको रोकती है कनेक्शन को आगे ले जाने से, ये चीज़ इनको रोकती है आपको स्टेबिलिटी का ऑफ़र देने से, कमिटमेंट का ऑफ़र देने से, ठीक है. और लेकिन ये पर्सन ना सिर्फ आपको कांटेक्ट करेंगे बल्कि आपको मिलना भी चाहेंगे, हो सकता है आपको 6 मंथ्स के अंदर, 6 हफ्ते से 6 महीने के अंदर आपको मिलने के लिए भी बुला सकते हैं पर्सन, ठीक है. और आपको कांटेक्ट करेंगे, जाहिर सी बात है बिल्कुल कांटेक्ट करेंगे, ठीक है. और जोडिक साइंस बता देती हूँ कौन से इंपॉर्टेंट हैं नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं. अब आपको भी हम ये भी बताने वाले हैं कि आपको कब कांटेक्ट करेंगे, तो कहीं जाइएगा मत, ठीक है. तो जोडिक साइंस जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लीब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, ठीक है. ये जोडिक साइंस बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे. एस अल्फाबेट्स बता देती हूँ आपको, एस, जे, सी, टी, पी, ए, ई, यू, आई, ये बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे. एल भी दिख रहा है मुझे, डी भी दिख रहा है, आर भी दिख रहा है, एल, डी एंड आर, ठीक है. लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो गया ये, ओ माय गॉड, हो सकता है आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, ठीक है. जैसे चैनल मैसेज फॉर सम ऑफ यू, ठीक है. तो नंबर्स बता रही हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं. नंबर 1, 6, 8, 10 एंड 11, ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है. तो ये अब देख लेते हैं कि ये पर्सन जो है आपको कब कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स. वाओ, वी हैव द एस ऑफ कप्स. एस ऑफ कप्स, सो व्हाट आई एम गेटिंग इज मैक्सिमम 1 मंथ, मिनिमम 1 वीक, उससे भी कम तो 1 डे, ठीक है. तो 1 दिन, 1 हफ्ता, 1 महीने के अंदर ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो हो सकता है स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो इनका साइन हो, आपका साइन हो, या इनके चार्ट में उसकी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट्स हो. जस्ट चैनल मैसेज फॉर सम ऑफ यू, फायर साइन भी हो सकते हैं पर्सन, ठीक है, या आप हो सकते हो, ठीक है. तो 1 डे 1 वीक 1 मंथ के अंदर ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है. तो चलिए फ्रेंड्स, मुझे ये फीलिंग आ रही है किसी ने किसी को ब्लॉक कर रखा है. तो अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपको अनब्लॉक कर दे, तो किस बात की देरी है फ्रेंड्स, यू कैन ईमेल मी, मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पर्सन से अनब्लॉक करवाना है, ठीक है. तो आप मुझसे सेशन ले सकते हैं, और प्राइवेट सेशंस ले सकते हैं, मैं ले रही हूँ प्राइवेट सेशंस आजकल. तो मुझे ईमेल कर सकते हैं आप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी सेशन के रेमेडीज के तौर पे कि कैसे वो पर्सन आपको अनब्लॉक करेंगे, ठीक है. तो चलिए, तो ये थी पाइल वन की रीडिंग, खूबसूरत सी, ब्यूटीफुल सी, आपकी तरफ अट्रैक्ट, ठीक है. तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी पार्ट वन की रीडिंग, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप रीडिंग देखने के बाद काफ़ी लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते भी हैं, ऐसी बात नहीं है, कुछ लोग भूल जाते हैं, ठीक है. तो भूलिएगा मत, मेहनत को दरकिनार मत कीजिएगा, ठीक है. चलिए, विल मूविंग ऑन टू पाइल नंबर 2. ओके, सो जिन्होंने सेलेक्ट किया था क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है. ओके, आप मिस्टिक हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, काफ़ी शांत स्वभाव के हो सकते हो, या इनसे मिलने से पहले शांत स्वभाव के थे, ठीक है. काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है आप, काफ़ी वाटर एलिमेंट आपकी चार्ट के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट हो सकते हैं, आपके पर्सन के अंदर भी हो सकते हैं. तो चलिए देखते हैं कि क्या ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है. लेट्स फाइंड आउट, एंड रिमेंबर फ्रेंड्स, दिस इज ओनली अ जनरल रीडिंग, ओके. चलिए, द फर्स्ट कार्ड वी हैव इज 7 of Cups, ओके. देन वी हैव द टावर,
Three of Swords, Strength, Five of Wands, Queen of Pentacles, Four of Pentacles. Don't be disappointed friends. मैं आपको बताऊंगी रीडिंग क्या है, अभी किसी कंक्लूजन पे मत पहुंचेगा कार्ड देखने के बाद. थ्री ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, क्योंकि मेरी इंट्यूशन जो कह रही है ना वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कार्ड्स के बावजूद. ठीक है, चलिए. सो इस पर्सन को अवेकनिंग हो रही है, रियलाइजेशंस हो रही हैं उसके. इस पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला, वो डेफिनेटली डाला है, मुझे दिख रहा है. जिनको नहीं डाला है उनको, अगर आपको पता है आपके पर्सन आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं डाला है, तो इस पार्ट को इग्नोर कर दीजिएगा आप, ठीक है. तो थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कि हमेशा कुछ पर्सन ही हो. आप, जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपका वर्क हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, या कुछ एडिक्शंस भी हो सकते हैं जो पर्सन बैटल कर रहे हो, टॉक्सिक हैबिट हो सकती है, या फिर कोई पर्सन जैसे मैंने कहा वो भी हो सकते हैं, ठीक है. तो ये भी चीज़ें थर्ड पार्टी में हो सकती हैं, ठीक है. तो थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली दिख रही है मुझे यहाँ पे, कि जिन लोगों को डाला था थर्ड पार्टी सिचुएशन में, अब उनका उनके साथ अलगाव होने वाला है. ऑलमोस्ट समझ लो कि अलगाव होने वाला है, या हो, कुछ लोगों के तो हो भी चुका है, कुछ लोगों का हो सकता है उनका सेपरेशन होने वाला है, ठीक है. और ये पर्सन को ना अवेकनिंग्स हो रही हैं आपको लेके, उनको रियलाइजेशंस हो रही हैं, ठीक है. ये पर्सन पहले बहुत कन्फ्यूज थे फ्रेंड्स, हो सकता है अभी भी थोड़े से कंफ्यूज हैं, लेकिन अब इनको अवेकनिंग्स हो रही है. वेरी स्ट्रांगली गेटिंग दिस मैसेज, आई एम पिकिंग अप दैट एनर्जी दैट दे आर गेटिंग श्योर, स्लाइटली श्योर ऑफ व्हाट दे वांट, दैट दे वांट यू, उनको आप चाहिए, इस बात को लेके वो श्योर हो रहे हैं अब, ठीक है. एंड आई एम गेटिंग कि आपका कुछ सोशल मीडिया उन्होंने चेक करा है, उन्होंने कुछ ऐसा देखा है जिससे उनको पोजेसिवनेस उनकी बढ़ रही है, उनकी पोजेसिवनेस बढ़ रही है, उनको बुरा लग रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया आपके सोशल मीडिया पे कि किसी के साथ फ़ोटो देखी है, ऐसा कुछ हुआ है, पता नहीं है, मुझे जो चैनल मैसेज आ रहा है, तो उनको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है या आने वाला, उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई है या आ गया है, ठीक है, ऐसा कुछ उनको लग रहा है, डाउट हो रहा है उनको, ठीक है. जिन ये उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ फ़ोटो पोस्ट करे किसी के साथ में, ठीक है, तो हो सकता है कुछ ऐसा उनको लग रहा है, पोजेसिव हो रहे हैं आपको लेके वो, ये पर्सन. अब इनको आपकी पावर का एहसास हो रहा है, ठीक है, अब इनको आपकी पावर का एहसास हो रहा है, पता चल रहा है, ठीक है. खुद को 30 मार्का समझ रहे थे ना बड़ा, अब उनको पता चल रहा है कि उनका पाला किससे पड़ा है, मेरे व्यूअर्स किंग्स एंड क्वींस से उनका पाला पड़ा है, ठीक है. ब्यूटिफुल सोल्स, उनसे उनका पाला पड़ा है, ठीक है. ये पर्सन ने हो सकता है आप थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा कर लिया हो, या झगड़े कर रहे हो, इनके झगड़े चल रहे हो, आप लोगों के बीच में हो सकता है झगड़े हुए हो, इन लोगों के बीच में आपको लेकर झगड़े हुए हो, दिस इज चैनल मैसेज, ठीक है. एंड ये पर्सन, आप भैया, आप तो क्वींस एंड किंग्स एंड क्वींस, जैसे मैंने कहा टाइमलेस और जेंडरलेस रीडिंग है, ठीक है. तो ये अब आप अपना ख्याल रख रहे हो, यू टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ, यू आर रेजिंग योर वाइब्रेशंस, यू आर रेजिंग योर फ्रिक्वेंसीज, यू पुटिंग योर सेल्फ ऑन टॉप प्रायोरिटी, ठीक है. और अगर अभी तक आप नहीं कर रहे हो तो इट्स हाई टाइम कि आप ऐसा करो, ठीक है. एंड जैसे ही आप ऐसा करोगे तो ये पर्सन आए ना आए आपको ट्रू लव ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है. एंड जैसे जिस पर्सन का आपको इंतज़ार था ना, वो पर्सन आपको मिलेगा. अब वो ये हैं, या जैसा प्यार आप चाहते थे, जैसे मैरिज आप चाहते थे, वैसा वो है, लेकिन जो आप चाहते थे आपको ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है. अब कुछ सवाल पे आते हैं. देखिए, मुझे जो दिख रहा था, स्टोरी दिख रही थी पूरी, वो मैं आपको, मेरा फर्ज था आपको बताना, ठीक है. अभी मैं आपको बता दूँ क्या ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे. मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो कि इस तरह के कॉल्स आए हैं, बट मैं आपको बता दूँ ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ठीक है. ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे बिल्कुल. तो अब देख लेते हैं कि क्या ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे. ऑब्स्टेकल्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, हो सकता है थर्ड पार्टी इनको रोकने की कोशिश करती हो, कंट्रोल करने की कोशिश करती हो, इनका फ़ोन वगैरह चेक करती हो या करते हो, ठीक है. तो उसके बावजूद ही पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे फ्रेंड्स.
दिस पर्सन विल कॉन्टैक्ट यू, ठीक है, ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, ये चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। जोडिक साइंस बता रही हूँ कौन से मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, लियो और स्कॉर्पियो बहुत डोमिनेंट है इस रीडिंग में, ठीक है। बाकी साइंस ये बता रही हूँ, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एरीज लियो सजिटेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सारे ही साइंस देखा जाए तो प्रेजेंट हैं यहाँ पे। और नंबर्स बता रही हूँ कौन से इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, सेवन नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 16 इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5, 12, 3, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 और 7 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, 5 नंबर भी है, 8 भी है, ठीक है, 4 है, ये नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। अब अल्फाबेट्स बता रही हूँ कौन से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए, टी आर एस एफ पी एल एन एस एच डब्ल्यू क्यू एंड आर ई, ठीक है, ये मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहे हैं अल्फाबेट्स आपके लिए। अब देखते हैं आपको कब कॉन्टैक्ट करेंगे ये फ्रेंड्स। आई हैव द कार्ड, ओके, एस ऑफ वांड्स, वन डे, वन वीक, वन मंथ, ठीक है, ऐसे सारा टाइम नहीं लगाएंगे, वन डे, वन वीक, वन मंथ, ठीक है, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये पर्सन का आपको इस टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी पाइल 2 की रीडिंग, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि कुछ लोग तो कर देते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड जॉइन द डिवाइन विजन आरडी ट्राइब, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड सब्सक्राइब, ओके। सो चलिए अब हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई नीड टू पुट माय फोन ऑन चार्जिंग। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ, ओके। जिन्होंने सेलेक्ट किया था क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या आती है आपकी रीडिंग। एंड रिमेंबर, ये जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट होता है वो लीजिए, जो रेजोनेट नहीं होता उसे छोड़ दीजिए। एंड जो भी रीडिंग आती है अपने दिल पे नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, हजारों लाखों लोग देखते हैं, आप दूसरी पाल पे सेलेक्ट कर सकते हो अगर एक पाल सेलेक्ट रेजोनेट नहीं होती है तो, ठीक है फ्रेंड्स, रिमेंबर आई लव यू, ठीक है। चलिए देखते हैं आपकी क्या रीडिंग है। थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स अपराइट, Four of Cups upright, the Empress, Nine of Wands, Ten of Pentacles, Nine of Pentacles and Knight of Wands, ठीक है। पाइल 2 में फिर भी थोड़ा मुश्किल लग रहा था, यानी कि उनको थर्ड पार्टी से बचते बचाते आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इस पाइल में ये लग रहा है फ्रेंड्स, मैं आपको थोड़ी सिचुएशन बता देती हूँ। कुछ लोगों की हो सकता है कि इस पाइल में उस पर्सन की शादी हो चुकी है या पर्सन मैरिड है। कुछ लोगों के लिए चैनल मैसेज है ये कि वो पर्सन हो सकता है मैरिड हो, उनकी शादी हो चुकी हो, और उनको जो है उनसे बचते बचाते आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो करेंगे, ठीक है। आज तो सारी पाल्स पॉजिटिव आई हैं ऐसा अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या ये पर्सन आपको कॉन्टैक्ट करेंगे? जी हाँ, यस, आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। ये पर्सन इनफैक्ट किसी प्रपोजल के साथ भी आ सकते हैं, कुछ लोगों को मैरिज का प्रपोजल दे सकते हैं ये पर्सन, शादी के लिए प्रपोजल दे सकते हैं आपको, ठीक है। एंड कुछ लोगों को 10 मंथ्स के अंदर इस पर्सन से मैरिज का प्रपोजल मिल सकता है, और अगर भगवान ने चाहा तो आपके इनके साथ कुछ रस्म भी हो सकती है शादी की, ठीक है।
10 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, यानी कि शादी की बात पक्की हो सकती है आपके 10 महीने के अंदर अंदर इसी पर्सन के साथ जिनके साथ आप जानना चाह रहे हो। अगर ये पर्सन आपके लव इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है, जनरली आपके लिए चैनल मैसेज है कि अगर आप शादी के लिए इंटरेस्टेड हो, शादी करना चाह रहे हो, तो 10 महीने के अंदर आपकी शादी की बात पक्की हो सकती है, ठीक है। तो फिर देन आई एम गेटिंग कि 4 of Cups का कार्ड आया है, तो ये पर्सन जो है हो सकता है आपने काफ़ी इमोशंस दिखाए, लव दिखाया, केयर दिखाई, लेकिन ये पर्सन थोड़े दरकिनार कर रहे थे, उन्होंने कदर नहीं करी आपके इमोशंस की, हाँ। तो लेकिन अब जो है इनको वैल्यू हो रही है, इनको पता चल रहा है क्योंकि आप अपनी पावर में हो। अगर आप अपने पावर में अभी नहीं आए तो इट्स हाई टाइम कि अपने पावर को एक्सरसाइज करो फ्रेंड्स, रीक्लेम योर पावर, अपने हीलिंग पे फोकस करो, शैडो वर्क करो, अपना इनर वर्क करो, मैनिफेस्टेशंस करो, पॉजिटिव अफर्मेशंस करो। जब आप ये सारी चीज़ें करोगे तो डेफिनेटली आप हाई फ्रिक्वेंसी, हाई वाइब्रेशन पे पहुंच जाओगे। अपना सेल्फ लव, सेल्फ केयर करोगे तो आप हाई वाइब्रेशन पे पहुंच जाओगे, तो ट्रू लव यू आएगा आपकी लाइफ में, यू, ठीक है। कोई नहीं रोक सकता फिर, कोई दुश्मन, कोई काला जादू नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो चलिए, और ये पर्सन को भाई घोड़े पर चढ़ के आने की बड़ी जल्दी हो रही है आपकी तरफ, ठीक है। और दोनों दो कार्ड थे जिसमें दो नाइट्स आए हैं जिनमें घोड़े पर चढ़ के आने को तैयार है ये पर्सन आपकी तरफ, ठीक है। हो सकता है पर्सन काफ़ी चार्मिंग हो, ठीक है, तो ये हो सकता है पर्सन काफ़ी चार्मिंग हो, यू नो। और आप हो सकता है या तो ये पर्सन काफ़ी अबंडेंट है फाइनेंशियली, या आप काफ़ी अबंडेंट हो फाइनेंशियली, ऐसे ऐसा वो आपको देखते हैं कि आप फाइनेंशियली काफ़ी अबंडेंट हो। अच्छा, मुझे ना चैनल सॉन्ग आ रहा है काबिल, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं। वो सॉन्ग बहुत ज़्यादा मेरे माइंड में आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं पर्सन आपकी काबिल बनने की कोशिश कर रहे हैं, या उनको थोड़े सेल्फ वर्थ इश्यूज हो गए कि भाई मैं तो यू नो, उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपके काबिल नहीं है, ठीक है। एंड तो ये चीज़ लग रही, पर ये पर्सन इस कनेक्शन को लेट को भी नहीं करने देना चाहते, ठीक है, इस रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहते अगर आपका ये सवाल था तो। लेकिन वो आपके बिना बहुत सैड है, दुखी है, सैडी सैडी, ठीक है। तेरे मेरे सपने सभी बंद आँखों के प्याले में है, चाबी कहाँ ढूंढे बता, वो चांद के प्याले में है। ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट, मैं भूल गई, कैमरा कब ऑन हो गया, ठीक है। तो चलिए, एक्चुअली मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये, तो और चैनल सॉन्ग भी था ये, तो ओके तो चलिए हम देखते हैं। जोरिक साइंस बता देती हूँ आपको मैं, जोरिक साइंस जो है वो सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये साइंस बहुत डोमिनेंट है यहाँ पे, टॉरस और लीब्रा भी हो सकता है, जस्ट चैनल मैसेज, ठीक है। तो जोरिक साइंस अल्फ़ाबेट्स बता देती हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, टी एस एफ के पी एम आर एन टी सी डब्ल्यू डी, ओके। और अल्फाबेट नंबर्स बता देती हूँ, थ्री, नंबर थ्री बहुत प्रोमिनेंट लग रहा है यहाँ पे, नंबर थ्री, नाइन, नाइन भी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे, नंबर थ्री, नाइन, टेन, थर्टीन, थर्टीन और नंबर फोर, फोर इज़ ऑल्सो हियर, ठीक है। ये नंबर्स बहुत प्रोमिनेंट हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग, और अब हम देखते हैं ये पर्सन आपको कब कॉन्टैक्ट करेंगे, इससे पहले मैं भूल जाऊँ, ठीक है। चलिए, अभी आप जाने वाले थे ना, जाने वाले थे ना, हाँ, कैसे ऐसे कैसे चले जाओगे भाई रीडिंग पूरी देखे बिना, हाँ, फैमिली नहीं हो मेरी आप। चलिए, पहला कार्ड आया है 5 of Swords, भाई आपके आर्ग्यूमेंट्स हुए इस पर्सन के साथ पास्ट में, 2 of Pentacles, ठीक है।
तो ये पर्सन ने जो है, हो सकता है कि आपके आर्गुमेंट्स हुए उस पर्सन के साथ में, या फ्यूचर में जो है आर्गुमेंट्स अवॉइड कीजिए। कभी क्या रखे आर्गुमेंट्स में, जो प्यार से कोई बात सॉर्ट आउट हो सकती है तो क्या करना है आर्ग्यूमेंट करके। हाँ, तो 5 मंथ्स से लेके 5 हफ्तों से लेके 5 महीने के बीच में आपको इस पर्सन का कांटेक्ट आ सकता है। अगर नहीं आता है तो भैया समझ लो कि 2 साल लग जाएंगे। ठीक है, वैसे तो 5 महीने के बीच में आ जाना चाहिए आपको कॉन्टैक्ट इस पर्सन की तरफ से। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बार बार कह रही हूँ, मेरे दिल तोड़ के मत जाया करो भैया। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगी, मिलूंगी नए रीडिंग में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया देखने के लिए वीडियो को, और अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आई लव यू ऑल, बहुत मोहब्बत है मुझे आप सब से। ठीक है, चलिए, सो सेयोनारा। ठीक है, टेक केयर, यू आर प्रेशियस, सेयोनारा।